यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जो 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है उसमें सभी लोगों को 3 साल का एज लिस्टेशन मिल गया। 3 साल एज लिस्टेशन मिलने के बाद अब कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। तो कंपटीशन अच्छा होगा तो उसके लिए आपको सेफ स्कोर भी पता होना चाहिए कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और हम कितने का टारगेट बना करके चले जिससे हमारा फाइनलिस्ट तक सिलेक्शन हो जाए। तो आज के इस वीडियो में आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूँ और ये जो मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा ये आपका फाइनल के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अकॉर्डिंग अगर आपने नंबर ले लिए परीक्षा में तो आपका सिलेक्शन 60,244 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली उसमें आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। तो 3 साल एज रिलेक्सेशन मिलने के बाद अब मैं जनरल ओबीसी एसटी एसटी की एज कितनी काउंट होगी वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है 60,244 पदों पर जिसके आवेदन आज यानी 27 दिसंबर 2023 से शुरू हो गए और जिसमें अब लगभग 30 से 35 लाख फॉर्म पढ़ने की संभावना है और ये फॉर्म पढ़ भी सकते हैं। मान लीजिएगा 40 लाख तक भी इस फॉर्म पहुंच सकते हैं और पहले जो नोटिस आया था जिसमें बताया है करीबन 25 लाख तो अभ्यर्थी फॉर्म ही कराएं अप्लाई कराएंगे जिसकी वो तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन आप पदों की संख्या बढ़ मतलब एज रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद फॉर्म की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो अब आपको फॉर्म की संख्या बढ़ने के साथ साथ आपको कट ऑफ के बारे में पता होना चाहिए कि कट ऑफ हमारी क्या जाने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल होने चाहिए। ओबीसी हो तो 18 से आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। अगर आप ऐसी कैंडिडेट हो तो आपकी एज है वो 30 साल होनी चाहिए और आप जो एसटी कैंडिडेट हो तो आपकी एज वो 30 साल तक होनी चाहिए। और आप लोग घट अपनी एज निकालो कैसे तो आप मान लीजिएगा 1 जुलाई 2023 से क्या 1 जुलाई 2023 से अपनी एज जो आपकी एज हो रियल एज उसमें से अपनी एज को घटा देना तो आपको पता चल जाए कि आप कितने साल कितने दिन और कितने महीने के हो ठीक है। और आपको पता भी होगा कि आपकी एज कितनी है तभी आपको एज रजिस्ट्रेशन इन 3 सालों का मिला है। तो आप फॉर्म भर सकते हो क्या नहीं भर सकते हो ये आप खुद समझ चुके होंगे। जो फीमेल कैंडिडेट है यानी महिला कैंडिडेट तो जो जनरल की होंगी उनकी एज है वो 18 से 28 हो गई। पहले जो इनकी एज थी वो 18 से 25 थी चाहे वो किसी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हो ठीक है। लेकिन 3 साल एज रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ये आयु बढ़ गई है। ओबीसी एससी एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनकी आयु अब 18 से 33 साल हो गई। अब अगर आप 18 से 33 के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इस फॉर्म को आज ही जा करके अप्लाई करा लीजिएगा। अगर आपने अप्लाई नहीं कराया तो फिर आपको ये दिक्कत होने वाली क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो फॉर्म है वो 16 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए मैं अभी आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ कि इसकी जो है फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। आप लोगों ने किसी दूसरे की वीडियो देखी होगी वो बात अलग है आप इस वीडियो को देख लीजिएगा कट ऑफ से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो अगर आप पुरुष कैंडिडेट हो पुरुष कैंडिडेट वालों कट ऑफ में यहाँ पर लिखने वाले हो और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ में इधर लिखने वाले हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप पुरुष कैंडिडेट हो तो जो आपकी कट ऑफ है वो 220 से लेकर के 225 तक जाने वाली है ठीक है। 220 से लेकर के 225 तक जाने वाली। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 215 से लेकर के 220 तक जाने वाली है। ये कट ऑफ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो आपकी कट ऑफ 215 से लेकर के 220 तक जाएगी। थोड़े एक दो नंबर कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप अगर ऐसी कैंडिडेट हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 190 से लेकर के 200 तक जाने वाली। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपकी जो कट ऑफ है
वो 180 से लेकर के 190 तक जाने वाली। ये बात थी जो मैंने पुरुष कैंडिडेट की, क्योंकि लगातार आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कट ऑफ बता दो कट ऑफ बता दो, तो मैंने आपको कट ऑफ बता दी। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप अगर महिला कैंडिडेट हो और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 200 नंबर लाने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, और एक नंबर प्लस हो सकता है या एक नंबर माइनस हो सकता है। और आप अगर OBC और EWS फीमेल कैंडिडेट तो आपकी जो कट ऑफ है वो 195 नंबर जाने वाली है। कितने? 195 नंबर। और आप SC कैंडिडेट हो और फीमेल हो SC की, तो आपकी कट ऑफ है वो 180 नंबर जाएगी। एक नंबर प्लस हो सकता है या एक नंबर माइनस हो सकता है। और ST कैंडिडेट हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 170 फाइनल लिस्ट तक ही आपकी कट ऑफ जाने वाली, क्योंकि नंबर और पदों की संख्या ज़्यादा है और कंपटीशन भी ज़्यादा होने वाली है। जो कंपटीशन यानी जो अच्छे नंबर लाने वाले छात्र होंगे वो 10 लाख ही होंगे, मेरे अकॉर्डिंग ये 10 लाख ही होंगे, क्योंकि इन 10 लाखों ने जब से वैकेंसी की चर्चा चल रही है वो लगभग 2021 से लगातार पढ़ाई कर रही हैं। अगर ये एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता 3 साल का तो ये कट ऑफ और कम जाने की संभावना थी। ठीक है, तो कट ऑफ का भी आपका डाउट अब क्लियर हो चुका। एज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपकी एज कब तक काउंट होने वाली है, तो कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है और इसके साथ आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्जाम कब है, आपका एग्जाम जो 18 फरवरी 2024 को है, कब है? 18 फरवरी 2024 को। तो आप सभी लोगों को एक निश्चित रणनीति के साथ इसको एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, और इस रणनीति के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना करके रख दी है, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा और उसको पता चल जाएगा आपको कि आपको कैसे पढ़ाई करनी, इन 50 दिनों में आपको एग्जाम कैसे निकालना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी पुलिस से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।